नमस्कार। हैदराबाद सिटी नॉर्थ जोन में कल बोयनपल्ली पुलिस स्टेशन लिमिट में एक सेंसेशनल किडनैपिंग केस का रिपोर्टिंग हुआ। ये क्राइम नंबर 6/2021 पुलिस स्टेशन बोयनपल्ली अंडर सेक्शन 452, 419, 341, 342 और इसके साथ 120B और दूसरे सेक्शंस भी बुक हुए। ये एक्चुअली हफीज पेट जो साइबराबाद में एक जगह है वहाँ का एक लैंड इशू को लेके तीन लोगों का किडनैपिंग हुआ, जिनका नाम है प्रवीण राव, सुनील राव और नवीन राव। ये तीनों ब्रदर्स हैं और ये हफीज पेट मियाँपुर पुलिस स्टेशन लिमिट में जो लैंड है जिसके कारण लास्ट ईयर 2020 में भी एक केस बुक हुआ था, जिसमें कि कंप्लेनेंट प्रवीण राव थे और अक्यूज्ड एवी सुब्बा रेड्डी। इसके बाद कल रात में जो ये इंसिडेंट हुआ, इसमें लगभग 10 लोग घर के अंदर घुसे और इनकम टैक्स ऑफिसर बताते हुए, इनकम टैक्स ऑफ डिपार्टमेंट का एक पेपर आई जिसको कि वो आई कार्ड बताए, सर्च वारंट दिखाकर घर के सभी मेंबर्स को एक रूम में लॉक कर दिए और ये तीन को जिनको किडनैप कर ले जाना था इनको बाहर रखकर गाड़ियों में बिठा कर ले गए। लगभग एक घंटे तक बाकी लोग घर के अंदर बंद रहे, उनको लगा कि बाहर शायद इनकम टैक्स का ऑपरेशन चल रहा है। जब एक घंटे तक कुछ बाहर का खबर नहीं हुआ तो एक बाजू की आंटी आई और उन्होंने दरवाज़ा खोलकर इन लोगों को बाहर निकाला। तो लगभग एक घंटे के बाद पुलिस को डायल 100 कॉल आया इस क्राइम के बारे में। उसके बाद हमारे DCP नॉर्थ जोन, DCP टास्क फोर्स, स्पेशल ब्रांच ऑफिसर्स सभी लोग मिलकर प्लान करके सब जगह टीम भेजे और खास करके जो फैमिली से बात करने पे पता चला कुछ इंडिकेशंस जिसमें कि ये लैंड डिस्प्यूट का इशू आया, तो हम लोगों ने करनूल के तरफ जाने वाली रोड, विजयवाड़ा जाने वाली रोड, इन लोग को के तरफ भी अपनी टीम लगाए। हर जगह पुलिस चेक पोस्ट, हर जगह पुलिस प्रेजेंस को देखकर ये लोग समझ गए कि किडनैप पर्सन को लेकर जाना पॉसिबल नहीं है और इसीलिए अर्ली मॉर्निंग 3-3:30 के बीच में नारसिंघी के पास ये लोग तीन आदमी को गाड़ी से वो लोग उतार दिए। और उसके बाद जब ये लोग सेलफोन ऑन किए तो हमारे DCP नॉर्थ जोन को मैसेज टावर से आया और वहाँ से फिर ये लोग कॉन्टैक्ट करके इनको रिलीज किए। तो अभी तक के इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इस केस में जो अक्यूज लोग हैं उसमें अक्यूज फर्स्ट हैं AV सुब्बा रेड्डी जो कि नेटिव ऑफ अलागड़ा हैं, A2 श्रीमती भूमा अखिला प्रिया, A3 भार्गव राम और इसके अलावा कुछ और भी लोग हैं जो मिलकर ये क्राइम किए, जिसमें एक श्रीनिवास चौधरी एलियस गुंटूर सीनू, साई चंटी, प्रकाश, ये लोग मिलकर ये क्राइम का अंजाम दिए। जैसा कि आप जानते हैं हैदराबाद शहर और तेलंगाना स्टेट, यहाँ सिविल डिस्प्यूट को लेकर क्रिमिनल एक्ट इस तरह का ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है और इस तरह के का जो भी केस है हम लोग 2 घंटे के अंदर डिटेक्ट करते हैं और कल का भी केस हम लोग डिटेक्ट किए और हमारा जो फर्स्ट प्रायोरिटी था सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ किडनैप्ड पर्सन, रिलीज्ड ऑफ किडनैप पर्सन एंड ब्रेकिंग द केस, ये तीनों टारगेट हम लोग 6 घंटे के अंदर क्लियर कर दिए। तो अरेस्ट होने के बाद श्रीमती अखिला प्रिया आज 11:20 आवर्स को कुकटपल्ली में उनके घर के पास से उनको अरेस्ट किया गया और उसके बाद बोयनपल्ली पुलिस स्टेशन में लाकर अरेस्ट मेमो इशू किया गया और बाद में एज पर द प्रोसीजर ऑफ CRPC उनको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए गांधी हॉस्पिटल भेजा गया है। दैट्स ऑल, थैंक यू।